स्पेशल ओलंपिक्स भारत विभाग की मेजबानी में मंगलवार से राष्ट्र संत दुर्गाजी महाराज नागपुर विद्यापीठ मैदान पर दिव्यांगों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय ओलंपिक में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्केटिंग, तैराकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, पावर लिफ्टिंग और बॉक्सिंग समेत 11 खेल शामिल होंगे। प्रतियोगिता में 36 जिलों के करीब 600 दिव्यांग खिलाड़ी और 150 कोच भाग लेंगे। तैराकी को छोड़कर सभी प्रतियोगिताएं विद्यापीठ के मैदान और सुबेदार हॉल में आयोजित की जाएंगी। तैराकी स्पर्धा अम्बाजरी स्थित NIT के स्विमिंग पूल में आयोजित होगी। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत महाराष्ट्र का स्टेट चैंपियनशिप नागपुर के राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ के प्रांगण में 30 तारीख से जिसका आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय किरीट जी सोमैया और जो प्रमुख उपस्थिति है स्पेशल ओलंपिक भारत के, जो हमारे एरिया डायरेक्टर माननीय DG चौधरी सर, और उसी तरह यहाँ नागपुर क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, पूरे आमदार महोदय या जिलाधिकारी महोदय, CEO साहब और अपने विद्यापीठ के कुलगुरु चौधरी साहब, सूर्यवंशी सर, ये सभी उपस्थित रहने वाले हैं कार्यक्रम के उपलक्ष में। और हमारे स्पेशल ओलंपिक भारत महाराष्ट्र की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया मैडम, हमारे एरिया डायरेक्टर डॉक्टर भगवान निम्बा तलवारे सर, मैं खुद जितेंद्र ढोले जो स्पोर्ट डायरेक्टर करके स्पेशल ओलंपिक भारत महाराष्ट्र में हूँ, हमारे नागपुर जोन के विदर्भ जोन जो संभालते हैं नागपुर के ही उमेश वाजूरकर सर और उनकी पूरी टीम, जो विशाल नाइक यहाँ एरिया डायरेक्टर करके कार्यरत है, वो सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कार्यक्रम का उद्घाटन सुबह 11 बजे किरीट सोमैया और मल्लिका नड्डा की मौजूदगी में होगा। इस अवसर पर विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के एरिया डायरेक्टर DG चौधरी, विधान परिषद सदस्य प्रवीण दटके, विधायक मोहन मती, डॉक्टर आशीष जायसवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर और मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी आदि खास तौर से मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।